वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। आज इस चैनल पे हम लाए हैं आपका कल होने वाला एग्जाम केमिस्ट्री का पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बोल सकते हैं सुपर 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री पेपर का सब्जेक्टिव। और इस चैनल पे साइंस स्किल चैनल पे जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम 2019 यानी कि 11 तारीख आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, इसका सब्जेक्टिव का मैं क्वेश्चन लाया हूँ। टोटल 35 क्वेश्चन है, फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों को मिलाकर टोटल 35 क्वेश्चन है। आप चीजों को देखेंगे और फिर इसका आंसर कहां से मिलेगा, तो आंसर बिल्कुल आप दो चीजों को फॉलो करेंगे। दो चीजें कौन कौन सा, मॉडल पेपर और जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी होती है उसको पढ़ लें, उसका आंसर मिल जाएगा। उसमें भी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लोगों को डाउट होता है कि पूरा थोड़े ना, अब किसी को पूरा नहीं रट रहा होगा, रटा मार रही होगी या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो दो कौन कौन सा चीज है, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक में इसका जो 35 क्वेश्चन हम देने वाले हैं उसका आंसर वहां पे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर आज मतलब बोल सकते हैं कि रात भर एकदम दम लगा देना है कैसे भी करके, क्योंकि सुबह जाना है आपका एग्जाम हॉल में और एग्जाम हॉल में जाते ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो सब तो मैंने पढ़ा हुआ रात में। इसीलिए टोटल आया हूँ 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव पेपर का। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, परासरणी दाब क्या है, यह अपसामान्य क्यों होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उल्टा भी देख लीजिएगा, उल्टा परासरणी भी आता है। परासरणी दाब क्या है, यह अपसामान्य क्यों होता है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलीकरण क्या है, योगात्मक बहुलक एवं संघनन बहुलक को उदाहरण परिभाषित करें। बहुलीकरण क्या है, योगात्मक बहुलक, इसका दो पार्ट होता है, योगात्मक और संघनन, इसका दोनों को देख लीजिएगा, दोनों का डेफिनेशन देख लीजिएगा। तीसरा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यह फिजिको का सवाल है। नेक्स्ट नंबर चार, स्कॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। जो टिक आउट कर रहे हैं लॉन्ग का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्कॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्कों से किया जाता है कैसे, इसका मतलब है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण आप कैसे करते हैं, इसको भी क्वेश्चन को देख लेना है। थिंक इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। PCl5 एक ज्ञात यौगिक है जबकि NCl5 नहीं, क्यों। PCl5 एक ज्ञात यौगिक है जबकि NCl5 क्यों नहीं है, इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन, DNA और RNA में अंतर लिखें, DNA और RNA में अंतर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई परसेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 8 नंबर जो यहां पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। 5% यूरिया के घोल में 273 केल्विन ताप पर परासरणी दाब ज्ञात करना है, इसका मतलब पाई का वैल्यू निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है क्यों, यानी कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन PH3, व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इलेक्ट्रॉन विभव को परिभाषित करें, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मानव इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावल के नियमों को लिखिए, यानी कि इसको बोल सकते हैं रावल को राउल्ट्स भी बोलते हैं, तो रावल के नियमों को लिखिए आ सकता है, या फिर राउल्ट्स लॉ को परिभाषित करें या राउल्ट्स लॉ को बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है कि आप कैसे बदलेंगे, मीथेन से कैसे क्लोरोफॉर्म में बदलेंगे। तो जब भी ऑर्गेनिक का सवाल आए तो ये सवाल रहे तो हमेशा रिएक्शन को दिखाने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ लैंग्वेज को भी लिखिए, ऐसे और पॉजिटिव थिंकिंग्स का पहचान है। बी वाला क्वेश्चन में कि क्लोरोफॉर्म से इथाइन कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये इनऑर्गेनिक का जितना भी सवाल यहाँ से दे रहे हैं बिल्कुल आप रट्टा मार जाओ, क्योंकि रिएक्शन सबको हार्ड लगते हैं और यहाँ से जितने भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम आपको देंगे वो उसको बिल्कुल रट जाना है। तो पहला क्वेश्चन था 12 का, ये मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, और दूसरा है क्लोरोफॉर्म से इथाइन कैसे प्राप्त करेंगे। 13 नंबर, लवण से तू क्या है, इसके उपयोग को, यानी कि साइड ब्रिज क्या है, व्हाट डू यू नो इज साइड ब्रिज एंड इसका उपयोग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, ये सब तो 10th क्लास में मिलता था, तो अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, 14 नंबर सवाल। नेक्स्ट 15 में, टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें, टिंडल प्रभाव आ सकता है। नेक्स्ट, फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम रट्टा मारना है, फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउनी गति क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 18 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया के गति स्थिरांक क्या है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसको रट के जाना है एग्जाम हॉल में। अभिक्रिया के गति स्थिरांक क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करते,
दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बिल्कुल इसको रट्टा मार के जाओ, एकदम समझ नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बिल्कुल हुबहू आने वाला है। नेक्स्ट 19 नंबर, संपर्क विधि द्वारा गंधक अम्ल का उत्पादन, यानी संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कैसे करते हैं, दैट इज वेरी वेरी, यानी कि 18 19 को एकदम डबल टिक किया जा रहा है, देख लीजिए ध्यान से दोस्त, यानी 18 और 19 दोनों को एकदम बिल्कुल रट जाना है। फिर H2O तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S गैसीय अवस्था में, क्यों, यानी कि जल जो है तरल होता है जबकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होता है, क्यों, इसका क्वेश्चन देखिए आंसर दे लीजिएगा। और एक फिर से इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक सबको हार्ड लगता है, और क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है, कितना रिएक्शन को याद करोगे, कितना समझोगे, कितना रुकोगे, इसलिए हमेशा जो यहाँ से 35 क्वेश्चन में से आपको दिया जा रहा है ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, उसको बिल्कुल रख के जाओ। निम्न अभिक्रिया को दिखाया, पहला है कार्बिलाइन अभिक्रिया कैसा होता है, उसका रिएक्शन को लिखना है। फिर है पुंज अभिक्रिया, फिर है फ्रीडम क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये रहा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 21 तक ये है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% पूरा होने में 60 मिनट लगता है, तो इसका अर्धकाल निकालना है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है और उसका अभिक्रिया 75% पूरा हो रहा है 60 मिनट में, तो आपको निकालना है हाफ लाइफ निकालना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर का सवाल भी आपका आ सकता है, हालांकि इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो बहुत लॉन्ग जाता है, लेकिन एक नंबर के सवाल आ सकता है, तो इसको बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट HIHF से सबल अम्ल है कैसे, यानी कि HIHF से सबल है, ज्यादा मजबूत अम्ल है कैसे, इसका देखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है परिभाषित करें दोस्त, 25 तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, विस्थापन, जारण, अधिशोषण, अवशोषण, मुनलता, मुनलता, ये सबको बिल्कुल देखना है, यानी कि ये पांच या छह एक दो तीन चार पांच छह हुए, तो छह परिभाषा को एकदम बिल्कुल रट जाना है, इसमें तो दो तीन तो इम्पोर्टेंट आना ही आना है, कल एग्जाम आप लेके आओगे तो मिलाना बिल्कुल एकदम दो बहु आएंगे, ये पांच को परिभाषित करने वाला रट जाना है, विस्थापन क्या है, जारण क्या है, अधिशोषण, अवशोषण, मुनलता, मुनलता। नेक्स्ट है लायोफिलिक और लायोफिलिक कोलाइडिंग अंतर स्पष्ट करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पांच नंबर का क्वेश्चन आ सकता है 9 में, लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइडिंग में अंतर। नेक्स्ट है फराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को लिखिए, कितने फराडे के नियमों हैं, सभी नियमों को आप देखकर जाइए। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाना है। क्लोरोफॉर्म बनाने के प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें, ये प्रयोगशाला विधि है, हमेशा प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में, तो फिगर बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिसमें फिगर बनाना हो बिल्कुल आप स्वच्छ फिगर बनाइए, ताकि जानवर एकदम अच्छा संकल्प ले सके। तो कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म बनाने के प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म को कैसे तैयार कर जाता है किया जाता है, इसका आंसर देखने लगे। और लोहे का ये बहुत वेरी वेरी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे लोहे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यहाँ तो पूछ रहा है कि लोहे का पहले दो गो अयस्क का नाम देना है, हेमेटाइट वगैरह मैग्नेटाइट दे देना है, लोहे का अयस्क का नाम देना है दो गो, और इन अयस्कों से लोहे का निष्कर्षण कैसे करते हैं, इसका भी फिगर बनता है, वाट्य भट्टी ये सब डालकर जितना टेम्परेचर लिखना पड़ता है, कि कितना टेम्परेचर पे रिएक्शन लिखना पड़ता है, तो इन चीजों को बिल्कुल नहीं भूलिए लिखना, और एकदम चीजों को देख कर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको विश्वास नहीं होगा कल एग्जाम लेके आइएगा, बिल्कुल मिलाइएगा मेरे 35 क्वेश्चन से बिल्कुल मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको इंपॉर्टेंट कर रहे हैं ना, कुछ नहीं यार, रात भर का टाइम है ना, 35 क्वेश्चन है, कुछ नहीं, तो इसमें 30 तो याद रहेगा ना, 20 एकदम पक्का आने वाला है, वो आने वाला है क्वेश्चन। तो कहने का मतलब कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे करते हैं, इसको एकदम बिल्कुल देख कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, प्रयोगशाला में इथाइल एमिन कैसे तैयार किया जाता है, देखिए प्रयोगशाला से दो रिलेटेड क्वेश्चन, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाते हैं और प्रयोगशाला में ही इथाइल एमिन को कैसे तैयार करते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में से ढूंढिएगा या फिर इस बार का मॉडल पेपर में से ढूंढिएगा, ये सवाल का आंसर हुबहू मिलेगा, बिल्कुल रट जाइए, हम आपको क्वेश्चन सुपर क्लियर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका आंसर खुद से आप ढूंढिए, क्योंकि आज रात भर का टाइम है, बहुत काफी टाइम है, अगर आप अभी से अभी जब वीडियो देख रहे हो इससे 2-3 घंटा पढ़ ले तो आराम से, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे भी साल भर से तो आप पढ़े होंगे कुछ। तो कहने का मतलब नेक्स्ट 30 के बाद 31, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी 31 क्वेश्चन क्या देखें,
आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से आयोडीन को कैसे प्राप्त करते हैं, दैट इज वेरी वेरी क्वेश्चन। तो इसको आप आंसर करके जाइए, देख कर जाइए और वहां बिल्कुल राइट करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन है, कॉपर में मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर के मुख्य अयस्क क्या है, इन अयस्कों से कॉपर का निष्कासन कैसे करते हैं। तो सिंपल, हम हमेशा बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक वाला जो चैप्टर है उसको बिल्कुल अयस्क निष्कासन से कैसे निष्कासन किया जाता है, तो किस किन किन धातु का देख लेना था। पहला एल्यूमिनियम धातु का निष्कासन कैसे करते हैं, नंबर टू कॉपर और नंबर थ्री आयरन। सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन वाला निष्कासन, तो बिल्कुल हो सके तो कॉपर वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन आयरन का इम्पोर्टेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब कि सही है, उसमें गारंटी है, 100% गारंटी है। लोहे का निष्कासन कैसे किया जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज इसका भी है, कॉपर के मुख्य अयस्क क्या है, इन अयस्कों का कॉपर निष्कासन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परीक्षण द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अनुमोदन में विभेद किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अनुमोदन में विभेद किया जाता है, दैट इज वेरी वेरी। परिभाषित करें, देखिए अब फिर से आया परिभाषित करने वाला क्वेश्चन, अनुचुंबकीय, प्रतिलोमचुंबकीय और प्रेरित और प्रतिचुंबकत्व, ये चार को परिभाषित करने वाला देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है, बर्कले एवं हटले विधि द्वारा परासरणी दाब कैसे ज्ञात करते हैं, एक मेथड है बर्कले एवं हटले मेथड, इस मेथड से परासरणी दाब को कैसे ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो कंप्लीट हुआ दोस्त टोटल सुपर 35 क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चनों को करना क्या है, आप हमेशा सिंपल मॉडल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक से इनका आंसर ढूंढना है और देन आप पूरा को एक बार पढ़ के जाइए, चीजों को रट के जाइए और वहां पे बिल्कुल लिख के आइए। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम आने वाले और भी जो एग्जाम बचे हुए हैं इंग्लिश का, हिंदी का, तो उसका इम्पोर्टेंट सुपर 35 या सुपर 20 या जो भी मेरे को लगता है उतना क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस अब आप मेरे से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।